केले के छिलके और तने से गार्डन के लिए कैसे बनाएं बहुत ही बेहतरीन खाद। अक्सर देखते हैं हम केले के जो तने होते हैं उन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, पर दोस्तों गार्डनिंग करने वालों को ये पता होना चाहिए केले के जो तने होते हैं और जो छिलका होता है इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, अमोनियम पाया जाता है जो पौधों की फल और साइज को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इन्हें कैसे यूज करना है तो तीन तरीके से हम यूज करेंगे, पूरी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, जो हमारे गमले में हमारा केला का पौधा लगा हुआ था तो उसे हमने काट दिया है और काट के एक दिन छोड़ दिया था। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ड्राई हो गया है ये। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काट लेना है केले के तने को। छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए काट लेते हैं ताकि ये अच्छे से हम इसका फर्टिलाइज़र बना सकें और बहुत ही जल्दी ये डिजॉल्व हो। देखिए, ये लेयर्स में होती हैं तने, इसका तना जो होता है वो लेयर्स में होती हैं और बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाती हैं, इसका कंपोस्ट बहुत ही आसानी से बन जाता है। दोस्तों, इस केले के छिलके में जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैग्नीशियम है, अमोनियम है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है, पौधों को पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन प्रदान करता है। जो पहला तरीका है जिस तरीके से हमें इसे यूज करना है, देखिए किसी भी पौधे में आपको जिसमें देना है उसमें तने के साइड से मिट्टी हटा लें और उसमें आप एक मुट्ठी 12 इंची गमले में इसको जो हमने छोटे छोटे टुकड़े काट रखे हैं डाल के फिर वापस से मिट्टी से ढक देंगे। जो फीडर रूट्स होता है बहुत ही जल्दी ये गल जाता है, एक से दो दिन में वाटरिंग करने के बाद ये गल जाएगा और जो इसका न्यूट्रिएंट्स होगा वो डायरेक्ट रूट को मिलने लगेगा। तो इस प्रकार से हम पहला तरीका जिससे हम डायरेक्ट इस बना केले के पौधे को हम यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में। दूसरा तरीका जो होता है दोस्तों वो हम ले लेंगे एक बाल्टी या फिर किसी भी चीज़ में पानी भर लेंगे और एक बाल्टी पानी में हम इस जो हमने टुकड़े कर रखे हैं केले के पौधे के इसे डाल देंगे और 24 से 48 घंटे के लिए भिगाकर छोड़ देंगे। अगर आप 48 घंटे के लिए छोड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 24 घंटे में भी यूज़ करने लायक हो जाता है। ये जो टुकड़े हैं दोस्तों हम इसे पानी में डाल देंगे तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में घुल जाएंगे और पानी में वो चीज़ें आ जाने के बाद फिर हम उसे पौधों में यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसे जब भी आप भिगाएं तो किसी चीज़ से दबा दें ताकि ये जो केले का टुकड़ा है ये पानी में अच्छे से घुला रहे, तभी ये अपनी जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके पानी में डिजॉल्व हो पाएंगे। तो हमने देखिए इस प्रकार से बाल्टी में डालने के बाद उस एक छोटा सा टोकरी ले लिया और उसे पानी से भर दिया ताकि ये जो वो केले के टुकड़े हैं उन्हें नीचे दबाए रहे पानी में। तो अब देखिए, आप छोड़ दिया हमने 48 घंटे बाद, आपको मैं दिखाता हूँ इसका पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी तरह से पानी में डिजॉल्व हो चुके होंगे। तो हम इसे निकालने के बाद इसको छान लेंगे किसी दूसरे बर्तन में और छानने के बाद हम इसे अपने पौधों में दे सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, इसे डायरेक्ट भी पौधों में यूज़ किया जा सकता है, मिट्टी में भी दिया जा सकता है और इसका फोलियर स्प्रे भी आप अपने पौधों पर कर सकते हैं। दोनों तरह से ये असरदार होगा और किसी भी प्रकार के पौधे पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, खास करके वो पौधे जो फल और फूल की स्थिति में हैं, जिसमें फूल बन रहे हैं या फल आए हैं उनमें अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो वो उसको बहुत ही लाभकारी होगा। फल और फूल की साइज़ को बढ़ाने के लिए ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही उपयोगी होता है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने जो भी लिक्विड बना रखा था इसे एक दूसरी बाल्टी में छान लेंगे और जो टुकड़े हैं केले के उन्हें अलग कर लेंगे और जो लिक्विड है उसे अलग कर लेंगे। इन्हें अलग करने के बाद दोस्तों जितना हिस्सा हम लिक्विड लेंगे इस फर्टिलाइज़र का उतना ही हिस्सा हम इसमें नॉर्मल वाटर मिला देंगे तो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। जैसे हमने आधी बाल्टी अगर ये लिक्विड लिया हुआ है तो आधी बाल्टी इसमें हम नॉर्मल वाटर मिला देंगे, पौधों में देने के लिए हमारा फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हमने इसमें नॉर्मल वाटर मिला लिया है और अब हम इसे अपने पौधों में देंगे। इतना ही जो सोल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं, 50% कंपोस्ट और 50% नॉर्मल वाटर मिला के ही हम मिट्टी में भी देंगे और इसका फोलियर स्प्रे भी अपने पौधों पे करेंगे। मिट्टी में देने से पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी बहुत आवश्यक है और मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए, पूरी तरह से ड्राई नहीं होना चाहिए मिट्टी, हल्की नमी होनी चाहिए। कभी भी लिक्विड कंपोस्ट देने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें तो वो कंपोस्ट जो है वो बहुत अच्छे से पौधों को रूट को मिलता है। तो हमने गुड़ाई कर ली, मिट्टी हमारी पहले से हल्की नम है और इसमें हम जो हमारा कंपोस्ट है वो दे देते हैं। देना वैसे ही है जैसे आप पानी देते हैं, वैसे ही आपको मिट्टी में इस कंपोस्ट को देना है। इसके साथ साथ आप चाहें तो इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अब दोस्तों, जो तीसरा तरीका है ये हमारा जो बच गया छानने के बाद का हिस्सा है, इसे हम अपने कंपोस्ट बिन में डाल के इसका ड्राई कंपोस्ट बनाएंगे और वो कंपोस्ट भी आप अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।